हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी माँ की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो त्योहार के दिनों में इसे बनाया करती थी। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी होती है। ट्रेडिशनल होने के साथ इसका स्वाद भी एकदम अलग होता है। यूपी के हर घर में लगभग ये रेसिपी बनती है। तो आइए, आज मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी माँ की रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी चने की दाल की पूड़ी। इसके लिए मैंने चने की दाल को भिगा कर लिया है। इसे 4 घंटा भिगा दिया था, तो अब इसे पानी से छानकर यहाँ रखा हुआ है। साथ ही है जीरा, हल्दी का पाउडर, हींग, लाल साबुत मिर्चे जिन्हें मैंने तोड़ लिया है, नमक, लहसुन की कलियां और साथ ही सरसों का तेल। इससे पहले हम पूड़ियों के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने सरसों का तेल गर्म करने रख दिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी जीरा और हींग। जीरे हींग को तड़कने देंगे। यहाँ पर हम डालेंगे लहसुन की कलियां और साबुत लाल मिर्चें। इन दोनों को भी भून लेंगे। लहसुन को हम हल्का सा लाल कर लेंगे। अब यहाँ पर डाल दें भीगी हुई चने की दाल। इसके बाद हम डालेंगे नमक, साथ ही हल्दी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद चने की दाल को हम ढककर पकाएंगे। अब यहाँ पर मैं ढक्कन लगा दूंगी और आज को एकदम हम धीमा कर देंगे। फिर चने की दाल को हम 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो मैं दाल को एक बार चेक कर लेती हूँ। चने की दाल ज्यादा टाइम नहीं लेती गलने में। दाल अभी थोड़ी कड़क है। दाल को मैंने चेक किया है, दाल अभी थोड़ी कड़क है, तो मैं वापस से इसमें ढक्कन लगाकर 5 मिनट और पका लेती हूँ। दाल को मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। दाल अब गली गली से दिख रही है। मैं इसके दाने भी चेक कर लूंगी। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से टूट रही है। इसका मतलब दाल हमारी पूरी तरह से पककर तैयार है। मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे हल्का सा ठंडा करके फिर हम पीस लेंगे। के लिए यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा निकाल कर रखा हुआ है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर ना डालें। साथ ही मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच तेल। इसमें बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती, ये पूरी सिंपल आटे से ही बनती है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आटे को हम सिंपल पानी से गूंथ लेंगे। ध्यान रखें कि इसका आटा पूरी की तरह कड़क नहीं होना चाहिए। इसे हम बिल्कुल रोटी या पराठे के आटे की तरह गूंदेंगे, मुलायम आटा। आटा गूंथकर तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने मुलायम आटा ही गूंदा है। इसे ढककर हम रख देते हैं और तब तक दाल पीस लेते हैं। दाल को मैं मिक्सी के जार में डालूंगी। इसे पीसते समय ध्यान रखें कि मिक्सी का जार गीला ना हो और इसे हम एकदम सूखा ही पीसना है। ये बहुत ही आसानी से पीस जाती है दाल। दाल को मैंने पीस कर तैयार कर लिया है, तो अब चलिए पूड़िया बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथों में हम थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे। आटे से लोइयां तोड़ेंगे। एक लोई मैं इतनी बड़ी लूंगी जितने की हम मोटी रोटी कभी कपड़ा बनाते हैं या फिर बाटी बनाते हैं। लोई को हम हल्के हल्के हाथों से गोल करेंगे। इसमें थोड़ी जगह बनाएंगे जिसमें हम दाल की पिट्टी भर सके, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं 1 बड़े चम्मच दाल भर ले लूंगी। जितनी दाल आप भर सके एक बार में उतनी भर लें। इसे हाथों से दबाते हुए बीच में मिलाते जाएं। ये देखिए, एक पूड़ी की लोई बनकर तैयार हो चुकी है। मैं वापस इसमें सूखा आटा लगाऊंगी। इसे हल्के हाथों से बेलेंगे जिससे कि पूड़ी फटने ना पाए। इस पूड़ी को ज्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, मीडियम साइज का ही बेलेंगे। आप देख सकते हैं कि एक पूड़ी मैंने बेलकर तैयार कर ली है। इस तरह से हम बाकी की पूड़ियां भी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बार 4 पूड़ियां बनाकर तैयार कर ली है। मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। इसमें मैंने एक छोटी सी लोई डाली है और ये फूल कर ऊपर आ रही है। इसका मतलब कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है।
इसे मैं बाहर निकाल देती हूँ। अब यहाँ पर मैं एक एक पूड़ी को बारी बारी डालूंगी। ध्यान रखें कि आप एक साथ कई पूड़ियां ना डालें, अगर कढ़ाई छोटी है तो। आंच को थोड़ा सा कम कर लें, पूड़ियों को हल्के हाथ से दबाएं। पूड़ी को पलट लेते हैं। ये पूड़ी धीरे धीरे फूलती है, अपने आप फूल जाती है पूड़ी। ये आप देख सकते हैं कि पूड़ी कितनी बढ़िया से फूल चुकी है। पूड़ी को दोनों तरफ से लाल करते हुए हम इसे बाहर निकालेंगे। इन पूड़ियों को बेलते समय ही ध्यान रखना है कि पूड़ियां बेलन से ज्यादा दबाव ना पड़े, जिससे ये फटे नहीं, नहीं तो पूरा तेल खराब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दूसरी पूड़ी भी डाल दी है, इसे भी हम इसी तरीके से तल लेंगे। इस चने की दाल की पिट्ठी से आप पराठे भी बना सकते हैं, तवे पर सेक सेक कर, या फिर पूड़ियां, जैसे चाहें आप वैसे बनाएं। पर ट्रेडिशनल तरीका यही है कि लोग इसे पूड़ियां बनाते थे और त्योहारों के दिन ही बनाते थे। इस पूड़ी को ग्रेवी वाली सब्जी के साथ एंजॉय करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। पूड़ियां तलकर तैयार हो गई हैं, इन्हें किसी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ एंजॉय करें। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने घर में आलू सोयाबीन की सब्जी बनाकर रखी है। माँ इसी सब्जी से ये पूड़ियां परोसती थी, उन्हें बहुत पसंद था इस सब्जी के साथ हमें पूड़ियां खिलाना, तो आज मैंने भी यही बनाई है। अगर आपको मेरी ये पूड़ियों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पर लाइक का बटन दबाएं। फिर मिलती हूँ अपनी माँ की कोई और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।